असम में बिहू के भव्य कार्यक्रम में पीएम मोदी ने गाया गाना, कहा हम मृत्यु पर विजय पाएंगे और स्वाधीनता के द्वार खुलेंगे। बिहू डांस में असम ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, पीएम मोदी की मौजूदगी में 11,304 कलाकारों ने किया डांस, 2,548 से ड्रम बजाए गए। टीएमसी सरकार पर अमित शाह का हमला, बोले ममता बनर्जी पर हिटलर जैसा शासन करने का आरोप भी लगाया। वीरभूम में अमित शाह का बड़ा बयान, बोले 42 सीटों में से 35 सीट जीत ली तो टीएमसी सरकार अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाएगी। कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम कांग्रेस में शामिल, दो दिन पहले भाजपा छोड़ी थी, राज्य की 40 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी एनसीपी। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। संबल जिले के बबराला में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पहुंचे सपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने असद अहमद और शूटर गुलाम का एनकाउंटर पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने यूपी सरकार की एनकाउंटर पॉलिसी को गलत ठहराते हुए कहा कि जिस तरह से यूपी में एनकाउंटर हो रहे हैं, ऐसे में न्यायपालिका का कोई महत्व नहीं रह जाता है। उन्होंने असद के एनकाउंटर को नाजायज बताया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी शासन में दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का ही शोषण हुआ है। समाजवादी पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है। देखिए, देश का संविधान सर्वोच्च है, न्यायपालिका हमारी सर्वोच्च है। जो भी दोषी हैं, न्यायपालिका के माध्यम से उनको कठोरतम सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इस तरह की घटना को जायज नहीं ठहराया जा सकता, न्याय में नहीं माना जा सकता। मुठभेड़ को न्याय में नहीं मानते, आप कैसे कह सकते हो? फिर न्यायपालिका का क्या महत्व है या इस व्यवस्था को क्यों लागू किया गया? कहता है उसका अनुपालन होना चाहिए। देखिए, हम सब भारतवासियों के लिए बाबा साहब की जयंती एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है, जहां इस अवसर पर बाबा साहब के जीवन की बहुत सारी उन्होंने जो चुनौतियां, अपमान, अत्याचार, दुर्व्यवहार झेलते हुए भी देश का नाम दुनिया में रोशन किया, और बाबा साहब जैसे शिक्षाविद, बाबा साहब जैसे शिक्षित व्यक्ति मैं समझता हूँ बिरले ही होते हैं दुनिया में, और ये हम देशवासियों का सौभाग्य है कि ऐसे महान सपूत ने हमारे भारतीय संविधान की रचना की, जो इतना बेहतर संविधान है कि जो दुनिया के जितने भी देशों के अपने संविधान हैं उन सबसे बेहतर हमारे देश का संविधान है, और समाज के हर वर्ग, हर व्यक्ति, हर मजहब, हर धर्म, हर तरह के लोगों को अगर किसी व्यवस्था के माध्यम से न्याय मिल रहा है तो हमारे देश के संविधान के माध्यम से मिल रहा है। प्रयागराज जनपद के हंडिया कस्बा क्षेत्र में संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकालकर बड़े ही धूमधाम से मनाई गई जयंती। हंडिया क्षेत्र के तमाम गांव से बाबा साहब शोभा यात्रा हंडिया कस्बा क्षेत्र में एकत्रित हुए, जिसके बाद हंडिया कस्बा क्षेत्र के बीच शोभा यात्रा को एक साथ होकर लक्षा गृह मोड़ से होते हुए थाना हंडिया पहुंची, जहां पर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर सहायक पुलिस आयुक्त और कोतवाल के द्वारा फूलों की वर्षा की गई और सभी को जलपान कराया गया। शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस फोर्स के साथ मुस्तैद दिखे। शोभा यात्रा में भारी संख्या में महिलाएं और युवा शामिल हुए। आगरा में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। वहीं आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन की ताज नगरी आगरा में चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। आगरा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर
प्रीतिंदर सिंह के आदेश अनुसार डीसीपी सिटी विकास कुमार द्वारा शहर में फ्लैग मार्च किया गया। वहीं रात के वक्त में भी डीसीपी सिटी पुलिस फोर्स के साथ अलर्ट नजर आए। वहीं डीसीपी ने कहा कि भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा में पुलिस बल के 2500 कर्मचारी और अधिकारी लगाए गए हैं। इस पूरी शोभा यात्रा की निगरानी ड्रोन कैमरे से की जा रही है। सभी जगहों पर सेक्टर स्कीम लागू की गई है। संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 132वीं जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं आगरा के बिजलीघर चौराहे पर, जहां पर आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहां पर लोग भीम नगरी आयोजन में आ रहे हैं। और आज ताज नगरी आगरा में इस बार भीम नगरी दोहरेटा सांगन में लगाई गई है। अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डीसीपी सिटी विकास कुमार, आइए इनसे बात कर देते हैं किस तरीके से व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं। आज अंबेडकर जयंती है और आगरा में बहुत ही धूमधाम से ये मनाया जाता है। एक बहुत ही लंबी शोभा यात्रा भी निकलती है और जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहां काफ़ी भीड़ भी है। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और हमने पूरे रूट को इसके विभिन्न जोन में डिवाइड किया है और पुलिस बल के लगभग 2500 पुलिस कर्मचारी और अधिकारी इसको मैनेज करने के लिए डिप्यूट किए गए हैं। हम लोग ड्रोन कैमरा से इसकी निगरानी कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि सकुशल ये यात्रा संपन्न होगी। देखा आपने, ये थे हमारे साथ डीसीपी सिटी विकास कुमार, जिनका साफ तौर से कहना है कि ड्रोन से भी यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है और भीमराव अंबेडकर की जयंती शांतिपूर्वक तरीके से ताजनगरी आगरा में मनाई जा रही है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, प्राइम टीवी आगरा। कासगंज में बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में अंबेडकर जयंती समारोह समिति द्वारा कस्बा में 21 अप्रैल को शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं बता दें कि अंबेडकर जयंती के अवसर पर कस्बा के एमआर शेरवानी में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केक काट कर बाबा साहब की जयंती मनाई। सभी ने प्रांगण में स्थापित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बाबा साहब अमर रहे के नारे लगाए। आगरा में थाना हरी पर्वत पुलिस और एसओजी सर्विलांस टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि हरी पर्वत पुलिस ने डीसीपी सिटी के नेतृत्व में एक ऐसे वाहन चोर गैंग का खुलासा किया है जो भीड़ भाड़ वाले इलाके और पार्किंग में डुप्लीकेट चाबी लगाकर वाहन लेकर रफू चक्कर हो जाते थे। पुलिस एसओजी ने दो पहिया वाहन चोरों के गैंग का खुलासा किया, 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शातिर चोरों के पास से 8 स्कूटी, 1 बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की है। थाना हरी पर्वत पुलिस और नगर क्षेत्र की सर्विलांस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए 4 वाहन चोर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से 9 वाहन बरामद किए गए हैं। जो 4 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं उनके नाम है शेखर राणा पुत्र धर्मेंद्र, ये बमनोली कटारा आगरा का रहने वाला है और इसका आपराधिक इतिहास है जिसमें कि कुल 9 मुकदमे हैं। पवन पुत्र लाहौर, ये लोहा मंडी आगरा का रहने वाला है और इसके ऊपर भी 5 मुकदमे हैं। राकेश उर्फ धल्लो, ये बमनोली कटारा का रहने वाला है और इसके ऊपर भी 5। फरीदाबाद में चाय बेचने वाले युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बता दें कि जीवन नगर में एक चाय बेचने वाले दुकानदार पर पड़ोस में रहने वाले गोदाम मालिक ने दुकान को बंद करने का दबाव बनाया। जब युवक ने दुकान बंद करने से मना किया तो गोदाम मालिक ने कुछ लोगों के साथ चाय बेचने वाले युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उपचार के बाद उसे दिल्ली सफदरजंग के लिए रेफर कर दिया। फिलहाल पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दी है और पुलिस ने न्याय से की मांग की है। क्या नाम है आपका? नौरंग। नौरंग जी, आप पे आरोप लगा रहे हैं कि चाय का खोखा लगाते थे, उनके साथ आपने मारपीट की है और काफी घायल हैं, क्या कहेंगे? चाय वालों से हमें कोई एनर्जी नहीं थी, ना ही हमारी कोई रंजिश है उनसे, ना कोई हमारा लेना है ना देना है, ना हमारा कोई दिक्कत है।
हम तो एक ये रोड बन रहा था, सामूहिक रोड बन रहा है, पूरी कमेटी बनाई है मार्केट की, इसमें जेसीबी चल रही थी, जेसीबी चल रही थी, कल शाम को 6 बजे जेसीबी ऑपरेटर ने बंद कर दी। हमने बोला, मैं ही खड़ा होकर करवा रहा था क्योंकि 2-4 आदमी आप भी जानते हो मौजूद होते हैं मार्केट उसमें गली के, तो उनको काम हमें काम सौंपा था कि भाई अपने आगे पीछे इसको देख रेख में करवा लेना। तो मैं खड़ा था तो ऑपरेटर ने बंद कर दिया काम। मैंने कहा भाई क्यों बंद कर दिया, 1 घंटे और चला दे। उसने कहा क्या नाम है आपका? पूरन सिंह। पूरन सिंह, मारपीट हुई है, क्या मामला है पूरा? कोई मामला नहीं जी, वैसे बेफिजूल में मारे हैं। क्या वजह? कोई दुकान के ऊपर मारे हैं कि दुकान हटा लो यहाँ से। किस चीज की दुकान है? मेरी चाय की दुकान है और गोली बिस्किट है। कहाँ की, कहाँ का मामला है ये? जी जीवन नगर पार्ट 2 कवड़ मार्केट। क्या, किसने मारपीट किया आपके अपने आपके साथ? मेरे साथ जब नोरंग कबाड़ी है और उसके भाई और साले और उसके वर्कर 15-20 आदमियों ने जो है एक साथ में मारपीट की है। बता दें चाय विक्रेता के साथ मारपीट का मामला सामने आया है जिसमें चाय विक्रेता गंभीर रूप से घायल हो गया जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि दुकान बंद करने का गोदाम मालिक द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। वहीं चाय विक्रेता ने जब मना किया दुकान बंद करने से तो उसके साथ जमकर मारपीट की गई है जिसके बाद चाय विक्रेता गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें ये फरीदाबाद का पूरा मामला है जहां चाय विक्रेता के साथ जमकर मारपीट की गई। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।